देखो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना तो तुम्हें फोन नंबर याद है और ना ही तुम्हें घर का एड्रेस याद है। वो मैंने रिसेप्शन वाली बाजी को बताया तो था, वो गोल चक्कर है ना जहाँ पे दो घोड़ों वाले स्टैचू हैं, वहां पे घर है मेरा। हाँ, तो वो डिफेंस मोड़ है ना, मैं तुम्हें वहां का रिक्शा करवा देती हूँ, आगे का रास्ता तो पता चल जाएगा ना। गलियां ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, फिर तुम ना ये मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे देती हूँ। अरे नहीं, आपने पहले मेरी इतनी मदद की, आप बस मुझे रिक्शे तक पहुंचा दी। कोई बात नहीं। और उसके बाद हेलो। हाँ जावेर, कहाँ हो तुम इस वक्त? अच्छा मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेज रही हूँ, फौरन फौरन मॉल पहुंचो। क्यों यार, नहीं आ सकता, मैं ऑफिस में हूँ अभी। मैं और नायाब शॉपिंग मॉल आए थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, तो मैं 2 मिनट के लिए बस ज्वेलरी शॉप पर गई, वापस आई तो वो वहाँ पे थी नहीं। पूरा मॉल ढूंढ चुकी हूँ, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही, बस तुम पहुंचो इधर। अच्छा आता हूँ। हाँ जुनेद। हाँ, अभी फोन आया मुझे। अच्छा चलो लेट्स गो यार। जुनेद तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कुछ पता नहीं चला, एक एक शॉप में जाकर देखा है, मुझे कहीं नहीं मिली। क्या मतलब है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना फोन घर छोड़कर क्यों गई है, साथ क्यों नहीं लेकर गई? तुम एक काम करो, तुम मॉल के मैनेजमेंट के पास जाओ और जाकर अनाउंसमेंट कराओ, हो सकता है वो अनाउंसमेंट सुन के आ जाए। अच्छा तुम जल्दी आओ, मैं थक गई हूँ उसको ढूंढ ढूंढ के, 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, तुम लोग खुद आओ और ढूंढो उसे, आई एम टायर्ड नाउ। अच्छा यार बहस मत करो, वी आर ऑन आवर वे, पहुंच रहे हैं हम। ओके बाय। कुछ पता नहीं चल रहा उनका, मैंने कहां गई है। बेबी उतरे, नीचे उतरे, जल्दी उतरे। क्या कर रहे हैं आप, क्या बदतमीजी है, अभी तो भाई मेरे घर भी नहीं आया था वो गोल चक्कर के, आप ऐसे मुझे कैसे उतार सकते हैं बीच रास्ते में? एक तो आपको घर का रास्ता नहीं पता है, ऊपर से आपने मुझे तंग करके रखे हैं, मुझे मेरे पैसे दें। अरे हाँ तो पैसे तो मेरे पास नहीं है ना, वो तो मैं घर वालों से ही लेके आपको देती ना। कहाँ से अजाब औरतें आती हैं रिक्शे पर जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। भाई मुझे मुझे रास्ते, अरे मेरी को था पीछे, अब आप ही बताइए कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। मैंने खुद भी पता करवाया है, जावेर से अभी मेरी बात हुई है, अभी तक उस बेवकूफ लड़की का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। समझ में नहीं आता कि बैठे बिठाए अल्लाह मियां ने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैंने इतनी स्टूपिड लड़की अपनी पूरी लाइफ में देखी, कौन जाता है शॉपिंग पे विदाउट सेल फोन एंड हैंडबैग? एग्जैक्टली, पता नहीं किस जाहिल गवार को उठा लाए हैं भाई। वैसे दादो पता करें वो अपने घर तो नहीं चली गई। अरे बेटा किया है मैंने कई दफा फोन, उल्टा वो लोग तो खुद परेशान हो रहे हैं सुनकर ये खबर। क्या बना जावे, पता चला? अगर पता चला होता तो साथ लेके आता ना उसे, पूरा मॉल देख लिया कहीं नहीं मिल रही, सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप लोगों की उसके घर वालों से बात हुई है? अरे किया है बेटा, कई दफा फोन किया है मैंने, उल्टा वो लोग तो खुद बेचारे फोन कर करके हमें पूछ रहे हैं कि वो मिली है या नहीं मिली। कहीं किडनैपिंग का केस तो नहीं?
मॉम, उसे कोई किडनैप क्यों करेगा? वो क्या छोटी बच्ची है? जितना मासूम आप लोग उसको समझ रहे हैं ना, वो इतनी नहीं है। चवेरिया प्लीज, ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? वक्त और मौका तो देखो। मुझे लगता है हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए और फॉरेन पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पुलिस में रिपोर्ट करवाओगे, बात मीडिया तक पहुंचेगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि किस किस्म की बहू है हमारी, शॉपिंग पे गई है, ना मोबाइल पास है ना पर्स। पुलिस में रिपोर्ट कराएगा। तो आप क्या चाहते हैं, हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे यहां पर, इस बात का इंतजार करें कि भाभी कब खुद से वापस आ जाएंगी? वो नहीं आ सकेंगी खुद से वापस। भाई भाई, आप किस सोच में गुम है? प्लीज मेरी बात मानिए, पुलिस स्टेशन चलना चाहिए हमें। ठीक, आप लोगों की खामोशी समझ गया हूं। आप लोगों को अपनी बदनामी की बहुत फिक्र है ना, तो कीजिए, लेकिन मैं मजीद यहां वक्त नहीं जाया करूंगा। मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन। सारा कसूर तुम्हारा है तानिया। अरे जब उसे संभाल नहीं सकती थी तो अपने साथ क्यों लेकर गई? दादो, वो इतनी छोटी बच्ची थोड़ी है कि मैं उसका हाथ पकड़ के पूरे मॉल में घूमती। वैसे बीजी, इस सारे मामले में बेचारी तानिया का क्या कसूर है? मुझे पता था निगी आंटी कि दादो ने तो सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहा है। भाई मैं तो नायाब की भलाई के लिए उसको अपने साथ लेके गई थी कि चलो थोड़ा बहुत उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे क्या पता था कि उल्टा मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। और करो तुम भलाई, समझ आई हो? कहाँ चली गई हो नायाब? कितना बदतमीज है, यही छोड़ गया। अल्लाह मैं कैसे जाऊं? ये कहीं गली शेप नहीं, नहीं मुझे लगता है आगे से शायद उल्टे हाथ थी। भाभी भाभी कहाँ थी आप? कुछ अंदाजा भी है आपको? सब घर वाले कितने परेशान हैं आपको लेकर। शुक्र है आ गए आप, मैं गुम गई थी। वो रिक्शा वाला भी मुझे, और फिर तानिया जी को कहा भी था मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे पहुंचूं मैं। अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं मिल गया हूँ ना आपको। आपको पता है मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। पुलिस? हाँ, सब घर वाले बहुत परेशान थे। कब से ढूंढ रहे हैं आपको? आप गाड़ी में बैठिए, घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। आइए।